बिहार में एक ऐसी दुर्लभ मछली जाल में फंसी है जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक भी इसे लेकर काफी गंभीर हो गए हैं। वाकया ऐसा हुआ है कि बिहार के बगहा जिले में एक ऐसी मछली जाल में पड़ी जो बाकियों से हटके है, या यूं कहिए कि वो इस देश में पाई जाने वाली है ही नहीं, क्योंकि इस मछली की चार आंखें हैं और पंख भी हवाई जहाज के जैसे हैं, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बिहार के बगहा में चार आंखों वाली एक मछली मिली है। इसके पंख हवाई जहाज के जैसे हैं। वन अधिकारियों ने बताया कि इस मछली का नाम सकर माउथ कैटफिश है। ये अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। ये चंद्रपुर रतवल पंचायत की रोहुआ नदी में मिली है। बताया जा रहा है कि मछुआरों को सकर माउथ कैटफिश सोमवार को मिली है। लोगों के लिए ये दुर्लभ मछली कौतूहल का विषय बनी हुई है। वन अधिकारी बताते हैं कि ये मछली भारतीय नदियों के लिए खतरा है। ये मांसाहारी मछली है और छोटे जलीय जीवों को खा जाती है। इससे नदी का इकोसिस्टम खराब हो जाता है। गंडक से निकली रोहुआ नदी जो कि पतिलार से होकर गुजरती है, उसमें स्थानीय मछुआरों को ये मछली जाल में फंसी हुई मिली है। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने बताया कि देर शाम गंडक में जाल डाला गया था, इसमें ये मछली फंस गई। देखने में ये मछली काफी सुंदर थी तो घर ले जाकर पानी में रख दिया। अब इसे देखने के लिए गांव के लोग आ रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि ये मछली अमेजन में पाई जाती है, मगर आश्चर्य की बात है कि ये हमारे यहाँ लगातार मिल रही है। ये वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय है। ये मछली काफी संख्या में हमारे नदी में मिल रही है, ये लोगों का कहना है। एक दो नहीं बल्कि कई मछलियां इस प्रजाति की नदी में मछुआरों को मिलने लगी है। वन अधिकारी ये भी बताते हैं कि कई लोग इस मछली को शौक से एक्वेरियम में पालते हैं, उसमें इसका विकास नहीं होता और ये मछली काफी छोटी है, मगर नदी में आ जाने पर इस मछली का साइज बड़ा हो गया है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस मछली को एक्वेरियम से नदी में छोड़ दिया हो, इसके बाद उसका विकास शुरू हो चुका है। इस दौरान मछुआरे से मछली के बारे में लगातार अपडेट देते रहने को भी वन विभाग के अधिकारी ने कह दिया है। हालांकि इस मछली के मिलने से लोग काफी परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये मछली अगर भारतीय नदियों के जल में या फिर छोटी बड़ी जितने भी पानी के स्रोत हैं उसमें पाई जाने लगी तो फिर तो बाकी मछलियों का पालना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इस मछली को देखने के लिए भी लोग जुट रहे हैं और इस मछली को देखने के बाद तरह तरह की बातें भी लोगों के द्वारा की जा रही हैं। तो वहीं वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार मछुआरों के संपर्क में हैं और एक एक चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये मछलियां और भी पाई जा रही हैं। यदि और भी तादाद में इन मछलियों का मिलना जारी रहता है तो आगे चलकर इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा या फिर क्या होता है वो भी देखा जाएगा। फिलहाल इस इलाके में इस मछली का मिलना चार आंखों के साथ और हवाई जहाज जैसे पंखों के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसी कारण देखने आ रहे हैं कि चलो यहाँ हिंदुस्तान में दो आंखों वाली मछली तो देख लिए, अब चार आंखों वाली मछली देख लेते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।